हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जो आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। हर दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम हो रही है। उसका नाम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में पैनक्रियास का ठीक से काम ना करने की वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। उसकी वजह से ब्लड में शुगर बढ़ते जाती है। इसकी वजह से अलग अलग सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि वेट गेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आँखों की रोशनी कम हो जाना या इंजरी से जल्दी रिकवर ना होना। ऐसे सारे सिम्टम्स की वजह से हमें अलग अलग परेशानियों से फेस करना पड़ता है। तो हम डॉक्टर पाटकस के कुछ सप्लीमेंट्स के साथ या फूड प्रोडक्ट्स के साथ हम डायबिटीज़ को नेचुरल तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं उन प्रोडक्ट्स को। एप्पल साइडर विनेगर CNF, इसमें मेथी के गुण हैं जो आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है उसे कम कर देते हैं। साथ ही साथ इसमें जो दालचीनी है वो इंसुलिन की तरह काम करती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो शुगर लेवल बढ़ गया है वो कम हो जाता है और आपके डायबिटीज़ के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। फैमिली प्रोटीन है जो हमारे पैनक्रियास के सेल्स को रिकवर करता है और नेचुरल तरीके से इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है, जिससे आपका जो इंसुलिन है वो अच्छे क्वालिटी का बनता है और उससे आपके डायबिटीज़ को कम करने में हेल्प होती है। तो थर्ड प्रोडक्ट है हमारा 3 सुपर ग्रीन्स। इसमें 3 अलग अलग टाइप के सुपर फूड्स हैं, मोरिंगा, वीट ग्रास एंड स्पिरुलिना, जो आपके विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं वो कम होने में हेल्प होती है। तो हमारा फोर्थ प्रोडक्ट है नोनी टी ड्रॉप्स। नोनी टी ड्रॉप्स में 09 नाम का एक कंपोनेंट होता है जो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आपके जो पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं जिससे इंसुलिन बनता है उसको ये प्रमोट करता है, जिससे नेचुरल तरीके से इंसुलिन बनता है और आपके जो शुगर्स लेवल बढ़ गए हैं वो कम होने में हेल्प होती है। साथ हम कुछ अल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें जल्दी रिजल्ट आ सकते हैं। तो ऐसी एक थेरेपी है एक्यूप्रेशर थेरेपी, जिसके पॉइंट्स यूज़ करके हम डायबिटीज़ के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन पॉइंट्स को। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेंटर के जस्ट लेफ्ट की तरफ। ये पॉइंट आपके पैनक्रियास को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वजह से इस पॉइंट पे प्रेशर करने से पैनक्रियास एक्टिव हो जाता है और आपका जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो शुगर लेवल बढ़ गई है वो कम होने में हेल्प होती है। तो ये जिमी है, ये आप डॉक्टर पाटकस के यहाँ से परचेस कर सकते हो। तो इससे इस पॉइंट पे 2 से 3 मिनट तक आपको प्रेशर करना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको प्रेशर नहीं करना है। उसके अलावा आप दिन में 4 से 5 बार इस पॉइंट पर प्रेशर कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है हमारे मिडिल फिंगर के फर्स्ट लाइन के सेंटर में। ये पॉइंट आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर देता है, आपकी जो बढ़ी हुई शुगर लेवल है उसको कम कर देता है, जो आपकी ब्लड की क्वालिटी है जिसमें RBCs होते हैं, WBCs होते हैं, आपकी ग्लूकोज होती है, उसे ये कम करके नॉर्मलाइज कर देता है, जिससे आपके डायबिटीज़ के जो सारे सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे हाथों के पीछे मिडल फिंगर के इनसाइड में। इस पॉइंट पे आप जिमी से प्रेशर कर सकते हो। इस पॉइंट से आपका डाइजेशन अगेन इम्प्रूव हो जाता है, जो आपके डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं जिससे आँखों की रोशनी कम हो जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वो सारे इससे कम हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पे 2 से 3 मिनट प्रेशर करें और आपके डायबिटीज़ को रिवर्स कीजिए। डॉक्टर पाटकस के फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करके बहुत लोगों ने नेचुरल तरीके से अपना डायबिटीज़ रिवर्स किया है। तो हमने आज देखा कि कैसे हम डॉक्टर पाटकस के फूड सप्लीमेंट्स और एक्यूप्रेशर थेरेपी से हमारे डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए और डायबिटीज़ को रिवर्स करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।